सो हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले टेक्स्ट रिवील इफेक्ट। बेसिकली यहाँ पे देखो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो कैसे टेक्स्ट रिवील हो रहा है। मैं वापस से दिखाता हूँ तुमको, मैं ऊपर हूँ अभी, मैंने स्क्रॉल किया तो कैसे टेक्स्ट रिवील हो रहा है, ऐसा कट के आ रहा है, वो अच्छा दिख रहा है। तो ये वाला इफेक्ट हम डालने वाले इस वेबसाइट के अंदर। इस वेबसाइट के अंदर नहीं, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ये वाला इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते। एंड अगर तुम्हें जानना है कि ये पूरी वेबसाइट स्क्रैच से कैसे बनाना है तो कमेंट जरूर कर देना रिजॉइस, मैं तुम्हें ये वेबसाइट का पूरा डेमो दे देगा विद स्क्रैच के कैसे बनाना है, राइट। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं सिंपल सा। देखो मैंने अब तक क्या किया है वो बताता हूँ। मैंने पेज करके कुछ कुछ सेक्शंस लिए हुए है ना, ये सिंपल सा चीज है। मैं अगर तुम्हें ये HTML CSS JavaScript दिखाऊं तो HTML में सिंपल सा हमारे जो बेसिकली जो GSAP का और लोकोमोटिव स्क्रॉल का जो चीजें रहती है वो मैंने सेट किया है। अगर तुम्हें नहीं पता लोकोमोटिव स्क्रॉल क्या है तो पिछला वाला वीडियो देखना, मैंने उसमें डिटेल में बताया लोकोमोटिव स्क्रॉल क्या है, कैसे लगाना है एंड GSAP के साथ उसको कैसे यूज करना है। तो वो वीडियो चेकआउट करना मत भूलना, बिकॉज उसके बहुत सारी चीजें मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ के अंदर। ओके ये वाली चीज है सबसे पहले लोकोमोटिव स्क्रॉल एंड देन CSS का स्टाइल। ओके मैं अगर तुम्हें नहीं दिख रहा हूँ तो थोड़ा सा जूम कर दो, है ना, हो सकता है वीडियो में ना दिख रहा हो इसीलिए। तो ये इस तरीके से, एंड यहाँ पे देखो देख सकते हो स्क्रिप्ट के अंदर लोकोमोटिव स्क्रॉल, उसके बाद हमारा है GSAP वाला कोड और फिर है स्क्रॉल ट्रिगर वाला, एंड देन हमारा कस्टम स्क्रिप्ट टैग। हमेशा जो कस्टम चीज है वो लास्ट में आनी चाहिए, बिकॉज हमारा जो फ्लो होता है डॉक्यूमेंट का वो टॉप से बॉटम होता है, तो इसीलिए जो लास्ट में लिखा हुआ रहेगा चीज है वो एग्जीक्यूट होगी। ओके तो ये सीन है। अब जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर जो मैंने लोको स्क्रॉल बताया था, जो फंक्शन तुमको बताया था, एग्जैक्टली सेम फंक्शन मैंने कॉल किया है। उसमें बताया भी था तुमको कि ये हैश मेन लिखना होगा, बिकॉज हमारा ये जो HTML है उसके अंदर हम सब चीजों को एक मेन रैप में एलिमेंट को रैप करते हैं, तो इसके लिए ये नीडेड होता है ना। तो ये वाला कोड तुम्हें मैंने बताया था कहाँ से लेना है, कैसे लेना है ना, ये चीज हो गया। एंड इसके अंदर मैंने कुछ कुछ पेज सेक्शंस बनाए, एंड जो सेकंड वाला है उसको पेज टू करके क्लास दे दिया। सिंपल सा चीज है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। स्क्रिप्ट के अंदर इतना ही लिखा हुआ जो लोकोमोटिव स्क्रॉल को एनेबल करने के लिए चाहिए। एंड स्टाइल के अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो रिसेट किया स्टाइल को, पेज के अंदर हाइट 100 VH का डाला है, बैकग्राउंड कलर वॉयलेट डाला हुआ है, एंड एंड चाइल्ड जो इवन होगा उसको मैंने बेज कलर डाल दिया, एंड पैडिंग थोड़ा बहुत डाला, डिस्प्ले ग्रिड और सेंटर कर दिया। ओके जितना भी चीज होगा वो सेंटर में दिखेगा इसीलिए। अब HTML में आ जाओ। HTML में यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिखता हूँ, जैसे कि बॉक्स हाइफन रैप लिख लेते हैं ना, बॉक्स रैप लिख दिया। अब इसके अंदर ये जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये VR इन्वेंचर, तो बेसिकली ये जितने भी टेक्स्ट है तुम्हें अलग अलग एलिमेंट में रैप करना होगा। जैसे कि मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे ले लेता है H2, एंड इसके अंदर स्पैन, एक एक चीज याद रखना कि H2 के अंदर एक स्पैन होना ही चाहिए। ओके तुम H3 भी ले सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने इसको लिया, अलग अलग लाइन पे तुम्हें इसको पेस्ट करना है इस तरीके से, है ना। सिमिलरली मैं थर्ड वाली लाइन भी कॉपी कर लेता हूँ, H2 के अंदर स्पैन, एंड इसी तरीके से मैं फोर्थ और फिफ्थ लाइन को भी कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने सिंपली कॉपी किया, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं दिख रहा, आई डोंट थिंक तुम्हें भी लगना चाहिए इसमें कोई रॉकेट साइंस। और यहाँ पे अगर तुम्हें मैं आउटपुट दिखाऊं तो एक इस तरीके से कुछ आ रहा है ना, अभी ये सेंटर आ रहा है बिकॉज हमने उसको सेंटर दिया था इसीलिए। तो ये चीज हो गया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे, तो डॉट पेज टू जो है हमने जो क्लास लिया था उसके अंदर जो H2 है उसका फॉन्ट साइज हम ले लेते हैं 4VW, देख के देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, इसका फॉन्ट वेट भी हमें थोड़ा सा कम करना होगा, 100 कर लेते हैं, ये स्लीक दिखना चाहिए ना, हमारा यहाँ पे स्लीक दिख रहा है। ओके इसीलिए तो आई गेस 4.5 करना सही रहेगा, 4.5 VW, या दिस लुक्स बेटर, है ना, जो तुम्हारा पहले दिख रहा था उससे थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। अब इसके अलावा हमें क्या करना है ना, देखो अभी मैं स्क्रॉल करूंगा तो उस टाइम पे ये रिवील हो गया है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो डॉट पेज टू है उसके अंदर जो H2 है उसको डाल दूंगा ओवरफ्लो हिडन। अब तुम बोलोगे यार इसको मैं ऊपर भी डाल सकता हूँ, हाँ डाल सकते हो, डाल दो इधर से, है ना, इस तरीके से। तो ये चीज हो गया। अब अगर तुम देखोगे तो ये सिंपल सा चलता है, मैं आता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर, एंड स्क्रिप्ट के अंदर GSAP डॉट फ्रॉम, बिकॉज हमें कहाँ से कहाँ पे लाना है ये चीज डिफाइन करना है, तो इस पे हम लिखेंगे पेज टू के अंदर जो H2 है, H2 है उसके अंदर का जो स्पैन है उसको टारगेट कर लो, एंड Y से 100 कर दो, तो बेसिकली 100 से वो नीचे आएगा। तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं इसको रिफ्रेश मार के, तो नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज हमारा जो ये एलिमेंट है स्पैन एलिमेंट वो एक इनलाइन एलिमेंट है,
उसके ऊपर तुम्हारा ट्रांसफॉर्म नहीं लगता है, तो उसको लगाने के लिए तुम्हें इसको डालना होगा डिस्प्ले ब्लॉक। तुमने अभी डिस्प्ले ब्लॉक किया, सिंपल सा किया, अभी रिफ्रेश मारते हैं, अभी भी नहीं चल रहे हैं, देख लेते क्या इश्यू है। पेज टू के अंदर H2 के अंदर स्पैन, सिंपल सा है, पेज टू के अंदर H2 के अंदर स्पैन, ये भी सही है। जी साहब देख लेते हैं, पेज टू के अंदर H2 के अंदर स्पैन, जी साहब कॉमा लिख दिया, देखा मैंने डॉट। अभी तुम देखोगे ना क्या हो रहा है, देख रहे हो किस तरीके से आ रहा है। अब तुम बोलोगे डिले भी चाहिए मेरे को, तो डिले के लिए मैं तुमको बताया था स्टैगर करके एक प्रॉपर्टी आता है, 0.15 दे देते, कैसा दिख रहा है ना, सही दिख रहा है। अब अगर तुम्हें इसको स्क्रॉल ट्रिगर पे लाना है तो कैसे करोगे तुम, मैं इसको एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ एंड ओके ठीक है, ये चीज हो गया। इसको हमें है ना स्क्रॉल ट्रिगर पे लाना है, स्क्रॉल ट्रिगर। अब स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रिगर लिखते हैं है ना, डॉट बॉक्स रैप ले लेते हैं कि बॉक्स रैप जब भी व्यू पोर्ट में आएगा तभी ये ट्रिगर हो, है ना, सिंपल सा चीज यार। ऐसा रॉकेट साइंस ने जो अब तक हमने चीजें सीखी है वही चीजें मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे ये कर दिया, स्क्रॉलर हमें चेंज करना होगा है ना, स्क्रॉलर को हम क्या कर देंगे, मेन कर देंगे, बिकॉज हमारा जो लोकोमोटिव स्क्रॉल है वो ऐसे नहीं चलता, लोकोमोटिव स्क्रॉल और जीसैप को चलाने के लिए हमें ये चीज लिखनी पड़ती है, मैंने तुमको पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो तुम कितना अच्छा सा दिख रहा है ना, रिफ्रेश मारा एंड कुछ तो इश्यू हो गया, हाँ ठीक है आ गया। इसको है ना एक्चुअली मैं एक नए टैब में खोल लेता हूँ वापस से, तो अच्छा दिखेगा। देखो अभी ये नॉर्मल है, फर्स्ट व्यू पोर्ट, स्क्रॉल किया देखा आ रहा है टेक्स्ट। अभी तुम बोलोगे यार वो इफेक्ट नहीं आ रहा, मैं जल्दी से स्क्रॉल करूंगा ना तो आएगा वो इफेक्ट, एंड अगर मैं बीच से रिफ्रेश मार रहा हूँ तो कुछ इशू आ रहा है, वो देखते हैं, वो हम फिगर आउट करते क्या है। तो ये चीज है, अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ये आ तो रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए कि मैं अगर ऊपर जाऊँ ना, देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ तो वो एनिमेशन वहीं पे खत्म हो गया, मैं ऊपर जाऊँ तो वापस से भी स्टार्ट हो। तो एक नया प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं टॉगल एक्शंस। टॉगल एक्शंस के अंदर तुम चीजें डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैं पहले कर रहा हूँ कि पहले प्ले हो एनिमेशन, फिर कुछ ना हो, फिर हो गया तो ठीक है ना, अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कुछ ना हो, लेकिन जब मैं ऊपर जाऊंगा तो रिवर्स हो, VERSE रिवर्स हो, एंड जब ऊपर पहुंच गया तो रीसेट हो जाए, सिंपल सा चीज है। अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, इसको मैं कॉपी करता है एंड देन यहाँ पे डालता है, तो अब तुम अगर देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख रहे हो किस तरीके से आया ये चीज, मैं वापस से तुम्हें दिखाता हूँ, रिफ्रेश मारा स्क्रॉल किया, देख रहे हो जो हमें इफेक्ट चाहिए था ना वैसा आ रहा है वापस से। अभी अगर मैं नीचे आ रहा हूँ, ऊपर जाके नीचे आ रहा हूँ तो क्या होता है देखते हैं, ये आ गया, कुछ तो इश्यू हुआ है क्या, टॉगल एक्शंस है, ओके टॉगल एक्शन नहीं टॉगल एक्शंस ऐसा आएगा। तो अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, इसको रिफ्रेश मारा, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ किस तरीके से आ रहा है, मैं ऊपर हूँ, वापस से नीचे आया, वापस से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया वापस नीचे आया, वापस से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया वापस नीचे आया, वापस से स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके का इफेक्ट तुम कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, एंड तुम देख सकते हो हार्डली मैंने बहुत कम चीजें लिखी हुई है, इसमें बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो लेकिन मैंने बहुत कम चीजें लिखी है। एंड इसको अगर रिस्पॉन्सिव करना तो वही है, इसका फॉन्ट साइज छोटा कर दो एंड तुम उसको फोन के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें चाहिए कि यार नहीं यार इसका थोड़ा सा क्या बोलते हैं ये जो चीज है ये अच्छी नहीं दिख रही, तो तुम और तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे पैराग्राफ टैग्स ले लो तुम अलग अलग और उसके अंदर ये चीजें डाल दो, या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि तुम इसको सेम चीज को अचीव कर सकते हो। जैसे एक चीज होती है शैडो रूट करके, तो वो तुम यूज कर सकते हो फॉर द सेम इफेक्ट। तो बेसिकली तुम्हारा जब एक्सेसिबिलिटी वाला चीज आएगा तो उस टाइम पे वो शैडो रूट वाला कंपोनेंट चलेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ये वाला चीज चलेगा, तो वो चीजें भी कर सकते हो। बट उतना डीप में हम जाएंगे नहीं, जितना हमें क्या बोलते सीखना है, जितना इंपॉर्टेंट है वही सीखते हैं। अभी इसमें भी एक्सेसिबिलिटी में कोई इश्यू नहीं आएगा, बिकॉज आई नो मैंने ट्राई कर चुका है, तो एक्सेसिबिलिटी वगैरह परफॉर्मेंस में कोई इश्यू नहीं आने वाला, तो ये बहुत सही चीज है। अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, एंड अगर तुम्हें वो रिजॉइस वाली वेबसाइट बनाना सीखना है तो कमेंट में रिजॉइस जरूर लिख देना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक स्टे सेफ एंड बाय बाय।